हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा नाइजा व्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए चलते हैं। पहले देखते हैं हम कि लौकी कोफ्तों की जो ग्रेवी बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और किस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यह है टमाटर और प्याज की प्यूरी, जो जिसमें हमने आधी प्याज ली है और 3 छोटे टमाटर हैं और इन्हें हमने मिक्सी में पीस लिया है। यह है पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और नमक आपके स्वाद के अनुसार। तो आइए चलते हैं ग्रेवी किस तरह से बनेगी। तो ये देखिए गाइस, हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। ये हमने 2 चम्मच ऑयल लिया था। ये कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे ये उसका ऑयल बचा हुआ है, हमने इसे ग्रेवी में यूज़ कर लिया। और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, जिसमें प्याज और टमाटर हैं। तो गाइज, ये हमने इसमें प्याज और टमाटो की प्यूरी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही हम डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई मिर्च, क्योंकि हमारे यहाँ तीखा थोड़ा ज्यादा खाया जाता है। तो गाइस, इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ना भी डालें, कोई इसमें जरूरी नहीं है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भुनने के लिए रख देंगे, जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। कसूरी मेथी हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट और इसे हम मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे, जब तक इसमें ऑयल ऊपर ना आ जाए। गाइस, आइए देखते हैं लौकी के कोफ्ते बनाने के में क्या क्या चीज़ें डलेंगी, मैं आपको बताती हूँ। यह है 200 ग्राम लौकी कद्दूकस करी हुई, बेसन, प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए, 1 बड़ी प्याज है, कॉर्नफ्लोर, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, पनीर जो हम अपने घर में लौकी के कोफ्ते बनाने में यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नमक आपके स्वाद के अनुसार, और इसमें जाएगा चाट मसाला। तो आइए लौकी के कोफ्ते किस तरह बनाते हैं देखते हैं। तो ये जाएगी हमारी प्याज, बेसन 2 बड़े चम्मच, बेसन कम ही डालेंगे हम क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें हैं ये, 1 चम्मच भर के हमने ये कॉर्नफ्लोर का लिया है, पनीर जो हमने बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है, ये भी हम सारा डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपके घर में खाया जाता हो। लेकिन कम अगर डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और इसमें 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला डाला है। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। तो गाइस देखिए, हमने इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया है, लेकिन हमें इन्हें हाथों से ही इनके गोल गोल कोफ्ते बनाने हैं। ये हमारा ऑयल जो है हमने गैस पर रख दिया था हाई फ्लेम पे, और हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है। अब कोफ्ते हमें किस तरह से बनाने हैं आप देख सकते हैं।
गाइज हमें हाथों की मदद से ही कोफ्ते बनाने हैं, चम्मच से नहीं बनेंगे। अगर आपसे बन जाए तो आप बना लीजिएगा लेकिन बनेंगे नहीं। तो इस तरह से हमें गोल गोल कोफ्ते बनाने हैं। तो गाइस देखिए हमारे ये जो लौकी के कोफ्ते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हम इन्हें निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। आइए देखते हैं ग्रेवी का मसाला कितना भुना है। ये भी लगभग भुन चुका है। गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और ये जो कोफ्ते हैं एक एक करके हम इसमें डालेंगे। तो गाइस देखिए हमने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। अब आपको ग्रेवी को जितना भी पतला करना है अपने हिसाब से आप इसे पतला कर सकते हैं। मैं इसमें एक गिलास भर के पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेवी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं खाई जाती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा। और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो गाइस इसमें हम हरा धनिया भी डाल रहे हैं जो हमने बारीक बारीक चॉप कर दिया और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइस देखिए हमारे लौकी के कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे लौकी के कोफ्तों की रेसिपी कैसी लग रही है।